कोरोना का कहर जारी है, हालात बेकाबू हैं। पटना के बीजेपी कार्यालय में जहां 75 नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो वहीं बिहार के होम सेक्रेटरी भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। भागलपुर में डीएम, एडीएम और डीडीसी के कोरोना संक्रमित होने के बाद सरकारी कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरकारी फाइल को लाने और ले जाने वाले फोर्थ ग्रेड कर्मचारी काफ़ी भयभीत नजर आ रहे हैं। डीआरडीए कार्यालय, भागलपुर कलेक्ट्रिएट समेत प्रभारी जिला पदाधिकारी, एडीएम कार्यालय में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। डीडीसी, एडीएम समेत 176 लोग भागलपुर में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भागलपुर के डीएम के दोनों बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भागलपुर में कोरोना मरीज की अब तक 1179 मरीज हो चुके हैं। तिलका मांझी विश्वविद्यालय के 2 दर्जन से ज़्यादा प्रोफेसर और कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नवगछिया पुलिस लाइन के 4 जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। प्रोफेसर कॉलोनी के पास एक मिठाई दुकानदार के घर हुई एक पार्टी की वजह से शहरी आबादी के बीच कोरोना संक्रमण और बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। भागलपुर जिले में कोरोना से अब तक 17 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। शहरी आबादी के बीच एक दिन में 85 कोरोना मरीज और 250 संक्रमितों का चेन बना हुआ है, जिसे तोड़ने के लिए भागलपुर में लॉकडाउन किया गया है। भागलपुर में कोरोना संक्रमितों का चेन बना हुआ है, इससे दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी भयभीत हैं। हाँ, डर तो लगता है, चूँकि इसलिए कि अदर विभाग का जो फाइल उल आता है वो तो हम लोग ले जाते हैं, साहब के नज़दीक साहब करते हैं, फिर उठा के हम लोग लाते हैं, तो भयभीत तो बुझाता है, लगता है डर तो पूरा बना हुआ है, पूरा कलेक्ट्रेट हम लोग भयभीत इसके कारण। फिर भी ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं। मजबूरी है, क्या करें, थे डर लग रहा है तो लग रहा है। ये सब हमारी बीमारी है जो कि सबको डर लगता है, लेकिन मजबूरी के साथ करना पड़ रहा। भागलपुर से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनटीपीसी कहलगांव के डीजीएम, मायागंज के डॉक्टर, एसएसपी आवास के 4 कर्मचारी और डीएम के स्टेनो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के हेल्थ मैनेजर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। भागलपुर खौफ में है। भागलपुर से खुलासा के लिए रवि कुमार की ये रिपोर्ट।